$2,000 का था। मलक साहब कहते हैं नहीं, $1,000 का नहीं है, ये $20,000 का है। क्या कि यार मैं भी ये ले लूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ और बहुत ही प्रीशियस वीडियो है विद प्रीशियस जेमस्टोन। तो प्रीशियस जेमस्टोन क्या है? ये है जी नीलम, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में, और ये बड़ा ही महंगा नीलम है। अभी मैं मलक साहब के पास आया था, जैसा कि आप सबको पता है मेरे जो दोस्त हैं मलक साहब, उनके पास आया था, तो उन्होंने मुझे ये नीलम दिखाया। वो कहते हैं कि कितने का हो सकता है, आप गेस करो। मैंने गेस किया तो ये $1,000-$2,000 का था। मलक साहब कहते हैं नहीं, $1,000 का नहीं है, ये $20,000 का है। तो ये इतना प्रीशियस है, और जैसे डायमंड होता है ना, उसकी तरह है, और ये प्योर श्रीलंकन जेमस्टोन है। तो ये इसके सर्टिफिकेशन भी उन्होंने मुझे दिखाए, और ये जो है एक कार्ड भी है, ये भी सर्टिफाइड, दो लेबोरेटरी से सर्टिफाइड हो चुका है ये वाला जेमस्टोन। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने जो लोग हैं उनको दिखाऊं कि इस तरह के भी ये जेमस्टोन होते हैं, इस तरह के भी कीमती पत्थर होते हैं। तो अगर आप में से भी कोई भी इंटरेस्टेड है ये जेमस्टोन खरीदने में, तो आप खरीद सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मलक साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जेमस्टोन है ना, ये मलक साहब के पास एक नहीं है, दो चार और भी हैं। तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन देता हूं, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना, ये पत्थर, ये बड़ा ही कीमती है, जेमस्टोन है, जेमस्टोन। और अभी जो है ये मलक साहब के पास है, तो मैंने सोचा आपको भी ये चीजें दिखाऊं कि इतने ज्यादा कीमती चीजें भी यहाँ होती हैं। अच्छा जी, इसके ना दो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफाइड है जो जेमस्टोन है ना, और जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन है वो यहाँ से है, इंडस जेमोलॉजिकल कंसल्टेंट्स, ठीक है। और ये इसकी फुल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, जेमस्टोन रिपोर्ट, और इसका ये नंबर भी है, उसके अलावा जी डेट है 21 जनवरी 2022, और उसके बाद जी ऑब्जेक्ट है 1 फेस्टेड जेमस्टोन, उसके बाद इसका ये वेट लिखा हुआ है 10.83 कैरेट्स, और उसके बाद डायमेंशन है इसकी 11x9x9 मिलीमीटर, ये इसकी डायमेंशन है। उसके बाद ये है जी कॉलर ब्लू, और कटिंग स्टाइल मिक्स्ड कट है, और ट्रांसपेरेंसी भी ट्रांसपेरेंट है। तो उसके अलावा जी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी हो तो आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं नेचुरल सफायर से, और ये इसके कमेंट भी लिखे हुए हैं, नो इंडिकेशन ऑफ हीट। और ये है जी इसका ओरिजिन, आप देख सकते हैं, दिस जेमस्टोन शोज जेमोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कोरिस्पोंडिंग टू दोज ऑफ नेचुरल सफायर। और ये है जी श्रीलंकन, ये देख सकते हैं, और श्रीलंकन जो है जेमस्टोन, ये बड़ा ही महंगा होता है, और साइलोन का है, साइलोन श्रीलंकन है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जैक्ट इमेज भी उन्होंने दी हुई है, और उसके बाद ये है जी सर्टिफिकेशन, ये स्टैंप भी लगी हुई है, और कंसल्टेंट जेमोलॉजिस्ट की सर्टिफिकेशन है ये, उसके बाद ये इंडस कंसल्टेंट का ये सारा है। इसके अलावा ये इसका दूसरा सर्टिफिकेट है, गैलेक्सी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, 9 दिसंबर 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। हाँ जी बुट्टा साहब, एक मिनट देखो, तो मैं भी भूल गया कि यार मैं भी ये ले लूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है पड़ा, वो मेरा वो भी नीला में पड़ा, वो बिल्कुल छोटा सा दाना है। अच्छा, तो मैंने कहा चलो यार ये मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये वो कहते हैं जी सितारों के साथ भी मैच होता है जी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब भी होता है कि किसी की डेट ऑफ पैदाइश है, तो वो डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके मुताबिक जेमस्टोन पहना करे। तो जब मैंने देखा मैंने कहा है क्या बात है यार, ये तो नीलम ही है बड़ा, जब कीमत असली वाला नीलम श्रीलंकन प्योर, मैंने कहा ये तो फिर खुद को बेच के आना पड़ेगा, फिर ही लिया जाएगा। तो मगर फिर भी बात ये नहीं होती, लोग खरीदते हैं, लेते हैं, उनका शौक होता है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो बाय देन प्लीज कॉन्टेक्ट हमजा, और उसके हमजा वीडियो के एंड में डिटेल दे देगा डिस्क्रिप्शन, सो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मलिक सजाद और हमजा। और अगर आप में से किसी को भी मलिक साहब को कॉन्टेक्ट चाहिए तो वीडियो के एंड में दिया होगा, या कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया होगा, तो आप मलिक साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्यों मलिक साहब? बिल्कुल। हाँ जी, तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और भुट्टा साहब को भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज मलिक साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।